और आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और सुबह हो गई और आज नवमी है तो आज हम लोग कन्या कर रहे हैं और आज देर भी हो गई थोड़ा सा नहाने वाने में थोड़ा सा मुझे बाकी सफाई वफाई सब चल ही रही है। हेलो जी सबको हैप्पी नवमी। आज नवमी है तो हम लोग नवमी करते हैं आज, तो आज कन्या वन्या करेंगे हम लोग सब। तो मैं बना रही हूँ खाना, तो जोशी जी कर रहे हैं पूरा सफाई। तो यहाँ तक हमारी एक गली बन चुकी है और ये सब हमने जखिया था मेरा तो वो सारा मतलब निकाल दिया, इसके बीज वगैरह अब इसको फेंकना है। तो मैं जोशी जी को कह रही हूँ कि इसको फेंक देना, ये ऐसे रखा है यहाँ पे। तो वो झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारा अच्छा हो गया अब। और ये मेरा स्नैक प्लांट रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, काफ़ी अच्छा हो रखा था ये, तो मैंने कहा थोड़ा यहाँ पे रख देती हूँ इसको, बाकी छत में है मेरे। तो मैं जोशी जी बाहर का झाड़ू वाड़ू सब लगा रहे हैं, मैं सीधा नहा धो के अपना प्रसाद बनाने पे लगी हुई हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं प्रसाद सब फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि ड्यूटी वाले भी जाना होता है, जैसे आकाश को जाना है, सूरज इनको भी जाना है, ड्यूटी जाना है, और सूरज तो केदारनाथ गया हुआ है। तो मैं आप लोगों को ब्लॉग दिखाना ही अभी मतलब टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, फिर आ जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी वहाँ से, वो लोग वो लेके आएगा वीडियो वगैरह बना के, तो तब मैं आप तब दिखाऊँगी आप लोगों को। तो केदारनाथ गया हुआ है घूमने के लिए, अचानक उसका अचानक क्या मतलब कह तो रहा था वो काफ़ी दिन से कि जाना है जाना है, तो मैंने कहा कोई घर का जाएगा तभी जाना, तो चला गया था फिर अपने भाइयों के साथ। बस उसके बाद मैं अपने मतलब सारा नहा धो के अपना प्रसाद बना रही हूँ, तो अपना हलवा और चने और पूरी वगैरह हो जाते हैं तो काफ़ी हो जाता है, और अकेले अकेले बहुत काम हो जाता है फिर, क्योंकि मुझे सूरज होता तो कन्याओं को बुला के भी ले आता, तो मुझे कन्या बुलाने भी जाना है, सब जगह घूमना पड़ेगा मुझे। तो बस ये जोशी जी सफाई कर रहे हैं पूरे, मैंने कहा तुम झाड़ू वाड़ू लगा दो थोड़ा सफाई कर दो, कन्याएं आएंगे तो थोड़ा। और इसको देखो जरा महारथी को, यहाँ पे झाड़ू रखा हुआ है, झाड़ू को तोड़ने पे लगा हुआ है ये, बहुत ज़्यादा शैतान है ये, बहुत ही ज़्यादा आधा काम तो ये बढ़ाता है हमारा। और देखो अभी मैं कमरे उमरे सब दिखा रही हूँ कि ऐसी हो रखे हैं सारे, मैं तो नहा के सीधे किचन में लग गई थी, तो बस और करे भी कौन सारा अभी सब ऐसी है। आकाश मुझे लग रहा अभी सो ही रहा था, उसको उठाया मैंने कहा नहा धो ले थोड़ा सा, काम वाम कर ले तू भी। तो बस यही है, बस किचन में लगी हूँ तो बहुत एक जने के लिए काफ़ी काम हो जाता है, बस थोड़ा सा जोशी जी कर देते हैं साथ में मदद तो हो जाता है। तो आज कन्याएं कर देंगे हम लोग, और नवरात्रे हो रहे हैं हमारे तो हम बहुत ही ज़्यादा थक जा रहे हैं, सुबह भी हो रहे हैं और शाम को भी हो रहे हैं, मतलब दोपहर 3 बजे से भी हो रहे हैं और 11 बजे से भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी मकान बन चुके हैं तो नवरात्रे सभी लोग करते हैं, तो बस डबल डबल हो जा रहा है फिर हमारा, भगदौड़ सी हो जा रही है फटाफट से। फिर अब कीर्तन में भी जाना है तो मैंने कहा चलो फटाफट से कन्या उन्हें जल्दी मिल जाएंगे, तो दिन का भी खाना बनाना होता है, तो बस इसमें कमर उमर थकती है मेरी ज़्यादा देर खड़े होने में। तो ये देखो मेरा ना प्रसाद वगैरह बनाने में सब गैस के ऊपर ऐसे गिरता रहता है, तो आप लोगों का भी गिरता है क्या ऐसी? मेरा तो बहुत ही गैस खराब खत्म मतलब ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा, ये प्रसाद गिरता है सारा ये प्रसाद बनाते बनाते। तो देखो हमारे पूरी गैस खराब हो गई है, सब सफाई मतलब आप लोगों का भी गिरता होगा ऐसे कि मैं ही गिराती हूँ ऐसे, मतलब मेरे को ज़्यादा किचन फैलती है मेरी, बच्चे भी बोलते हैं मम्मी आप बहुत किचन फैलाते हो। उसके बाद आ गई है गाय, अब क्या देंगे आप, अब क्या देना है, अब क्या देना है, क्या देंगे आप? अच्छा और बनाओ पूरी, अभी बनाएंगे अभी अभी बहुत सारे देंगे। एक ये जल्लाद, हाँ एक ये है, ये इसको खाने का देना। वो उसके बाद कन्याएं आ गई थी, तो कन्याएं थोड़ा इस बार कम ही आई हैं और कुछ मतलब अलग अलग उसमें आए हैं कुछ, मतलब अब वही है ना आप कन्याएं कम रह गई हैं, लोग ज़्यादा हो जाते हैं नौमी, काफ़ी सारे लोग नौमी करते हैं तो मुझे कम ही कन्याएं मिली है तो थोड़ा, लेकिन मैंने 2-3 जनों के लिए और रख दिया था प्लेटें बना के, तो इन कन्याओं को मैंने कर दिया था। तो कन्याएं आज नीचे बैठने को राजी नहीं हो रही, तो मैंने कहा चलो आज इनकी तो सुननी पड़ेगी, भैया आज माता रानी बन के आई हैं तो इनको आज सोफे में ही बैठा रखा है, तो ये कहने लगे हम सोफे में ही बैठेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है फिर तुम सोफे में, कन्याएं खुश होनी चाहिए बस, सोफे में बैठो चाहे हमारे सर में बैठो लेकिन तुम खुश रहो। तो मैंने इनको सोफे में ही बैठाया और इन्होंने खाया क्या क्या खाते हैं बेचारे ये भी ना, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा लो करते हैं इन्होंने खाली। मैंने कहा तुम चख लो बस थोड़ा थोड़ा सा, माताएँ थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद चख लो, सुबह से बड़ी मेहनत से बनाया है हम लोगों ने, पूरे मतलब 9 दिन तक इंतज़ार करते हैं कन्याओं का। तो मैंने कहा तुम आज अच्छे से थोड़ा सा बैठो, मतलब आराम भी कर लो तो वो भी काफ़ी हो जाता है, खाओ मत चाहे तुम, लेकिन मुँह जूठा कर लो। मैंने कहा थोड़ा सा तुम हलवा एक चना खा लो, उसके बाद कीर्तन में चले गए, कीर्तन में सबको खिला पिला के सबको करके कीर्तन में चले गए थे हम लोग, फिर बस कीर्तन भजन करें। Yeah.
अलग कीर्तन वर्तन करके फिर हम घर आए, फिर दोबारा हम थोड़ी देर खाना वाना खाया, फिर उसके बाद दूसरे कीर्तन के लिए गए। हमें देखो ये 3 बजे की दोपहर में जा रहे हैं हम लोग, ये तो काफ़ी लोग आगे चले गए थे, फिर हम लोग पीछे पीछे रह गए थे 2-3 जने हम। ये तो मतलब ऐसी भगदड़ और रखे ना कि कुछ पूछो ही मत आप लोग बस लेकिन चलो मज़ा भी आता है बड़ा। तो बस अब चले हम दूसरे कीर्तन में ये।